हाय गाइस वेलकम तू आना कैडमी लॉ माय नेम इज नेहा एंड आईम योर एजुकेटर फॉर क्लैट और अदर लॉ इंटरेंस एग्जाम्स सो आज का जो हमारा सेशन है दिस इज अ सेशन वेरी वी आर गोइंग टू <coughs> hi guys um can you see me can you hear me now i'm really sorry there was some problem with my network uh, am i visible and audible to you guys hi veena amartya sakshi ayush my simple humble world hi good afternoon everyone to main ye keh rahi thi ki um आज का जो हमारा session है आज हम general exceptions के ऊपर बात करने जा रहे हैं ये हमारा कंटिन्यू discussion होगा फ्रॉम आर लास्ट सेशन जिसमें um, हमने कुछ सेक्शंस डिस्कस किए थे जनरल एक्सेप्शन के आज हम उस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे uh, अगर आपसे वो सेशन मिस हो गया था या फिर बाकी हमने जो भी अभी तक टॉपिक्स डिस्कस किए हैं क्रिमिनल लॉ के ऊपर वो अगर आपसे मिस हो गए तो देर इज अ प्ले लिस्ट विच हैज़ बिन क्रिएटेड ऑन अन अकेडमी लॉ चैनल आप यूट्यूब पे जाकर के नेहा सिंह क्रिमिनल लॉ प्लेट अगर सर्च करोगे तो आपको ये प्ले लिस्ट मिल जाएगी एंड यू कैन वॉच दो आज का हमारा सेशन जनरल एक्सेप्शन पे है ये हमारा ट्वेल्थ सेशन है बिफोर वी बिगिन विथ आर डिस्कशन आई जस्ट टेक अ मोमेंट एंड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ पीपल हुआ जॉइन माई सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा नाम नेहा है जैसे मैंने ऑलरेडी बताया मैंने अपना एलएलएम किया है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम हम से 2020 में, मैंने अपना बी एल एल भी किया इंटरनेशनल लीगल स्कॉलरशिप फॉर माय एलएलएम इन लू आई एम रजिस्टर्ड एडवोकेट विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया मे पट टीचि मैंटन एक्सप्रिय फोर सो विदाउट फर्दर डू लेट्स अमृता थैंक यू सो मच ये I haven't been feeling well. Matlab. Um, I'm still uh, sort of recovering from from COVID. So um, I, I am, vise, I'm okay all in all. But there are some things which are just persistent. I think it'll be fine in in a week or so. So thank you so much for for uh, saying that. But um, but, ha Let's for now. Let's just start with our discussion on general exceptions. First, am I clearly visible and audible to all of you? can you see me can you hear me clearly good afternoon good afternoon all of you <clears throat> okay that's that's amazing that's great okay तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने लास्ट सेशन में में जो के में जो जो जनरल के बारे डिस्कस डिस्कस किए थे लेट्स डू अ क्विक ऑफ़ भी स्टडीड एंड देन हम हम आज जो भी हमें करना है है वो हम, um, अभी कंटिन्यू करेंगे ठीक uh, sort of um, इस महीने ही um, I think 5th or 6th को मैंने ये सीरीज स्टार्ट uh, की थी तो um, अगर आपसे कुछ वीडियोस अगर मिस हो गए तो आप प्लेलिस्ट में में के चेक चेकआउट कर सकते हो उनको ठीक है ओके देन सो लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट विद डिस्कशन ऑन जनरल एक्सेप्शन् तो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि जब भी जनरली अगर कोई क्राइम करता है तो हम उस इंसान को क्रिमिनली लाइबल ठहराते हैं

कोई बिना किसी इंटेंशन के वो एक्ट कमिट uh, किया गया होगा हमने हमने पहले भी देखा है एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम जब हम देख रहे थे तो ये दोनों सबसे सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं एक्टिस्ट दैट इज द एक्ट दैट हैज डन एंड मेंस रिया यानी जो मेंटल एलिमेंट है तो मेंटल एलिमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है तो कई ऐसे सकम होते हैं जहां एक्ट तो कमिट हो गया होता है बट मेंटल एलिमेंट एबसेंट होता है ठीक है या फिर कोई एक्ट कमिट हुआ है उसका कोई जस्टिफिकेशन है ठीक है इन दीज केसेस कई बार ऐसा भी होता है कि जिसने भी वो एक्ट कमिट किया है पर्सन कैन कैन टेक टेक अ डिफेंस कि या तो उसके पास कोई जस्टिफिकेशन है या फिर उसका कोई इंटेंशन नहीं था ठीक है एंड इन दैट केस हो सकता है कि उसको क्रिमिनली लाइबल नहीं ठहराया जाए फॉर हैज डन ठीक है हाय आकाश गुड आफ्टरनून हाय राजा आई एम ओके थैंक यू फॉर आस्किंग हाउ आर यू हाउ आर यू हाउ आर हाउ इज एवरीबॉडी हाउ आर हाउ आर ऑल ऑफ यू इन जनरल कैसे हो सब <coughs> um सो so, उसके अलावा फिर हमने आगे डिस्कस किया था कि चैप्टर फोर ऑफ इंडियन पीनल कोड जो है वो कुछ जनरल एक्सेप्शंस देता है वही ऐसे सर्कमस्टांसिस जहां पे इवन इफ इव कोई एक्ट कमिट हुआ है तो इट विल फॉल अंडर दीज जनरल एक्सेप्शन सो दैट जो जिस इंसान ने वो एक्ट कमिट किया है उसको हम लायबल ना ठहराए ठीक है सो so सेक्शन 76 से लेकर के 106 इन डिफेंसिस को कवर करता है um फ्रोज़न ली हाय अंशिता गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू अब ये जो डिफेंसेस है इट ये डिपेंड करता है कि क्या सरकमस्टेंसेस थे किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ था मेंस रिया था या नहीं था उस इंसान का जो जो भी एक्ट उसने किया है अगर उसके पास कोई जस्टिफिकेशन है तो क्या वो रीजनेबल जस्टिफिकेशन है ठीक है तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं बिफोर कि उस इंसान को इस डिफेंस का बेनिफिट दिया जाए ठीक है हाय नेहा हाय सार्थक गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू ठीक है सो इसके बाद हमने देखा था कि जनरल एक्सेप्शन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और जस्टिफाइबल जिस इंसान ने एक्ट किया है भले ही किसी को हार्म कॉज हो गया है लेकिन उसको एक्सक्यूज किया जा सकता है क्योंकि उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता उस एक्ट के लिए जैसे अगर कोई अनसाउंड माइंड का इंसान कोई क्राइम कर देता है उसको पता ही नहीं है जो उसने किया है ठीक है उसको पता ही नहीं है कि क्या मतलब जो एक्ट उसने किया है उससे किसी को हार्म हो सकता था या फिर क्या कॉन्सिक्वेंसिस uh, थे उसके एक्शंस के ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड दैट राइट तो अगर उसने कोई क्राइम कमिट किया है तो हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते उस चीज के लिए देफ उसको एक्सक्यूज कर दिया जाता है राइट right? वैसे ही अगर कोई छोटा बच्चा है कोई पाँच साल का बच्चा है उससे अगर कोई अगर उससे कोई क्राइम हो गया है ठीक है तो अगेन uh, ये पाँच साल का बच्चा क्रिमिनल इंटेंशन फॉर्म नहीं कर सकता तो again, अगर इसने कोई act किया है तो इसको एक्सक्यूज कर दिया जाता है ठीक है है तो तो इसको criminally नहीं ठहरा सकते, तो इस तरह से कुछ sections जो है, वो डिस्कस करते हैं हाय शार्ज गुड आफ्टरनून माय क्वेश्चन लीगल रीजनिंग में क्रिमिनल लॉ टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपका मैसेज आता है मेरा मैसेज आता है मतलब अमृत्यास डेफिनेटलीट बट मैंने वही बोला ना इतना आसान थोड़ी है मतलब मजाक -मजाक लेकर के यूज करके अपनी हाथ धो लेना इतना आसान तो है नहीं uh, जो भी um, whoever is pleading that, उसके, uh, उसके पार्ट से जो भी जो भी उसकाउंसिल होगा देर आर सर्टन प्रोसीजर्स जिसके थ्रू मतलब obviously, the court has to be satisfied.

और इसमें जो एक्सेप्शन ये अलग एक्सेप्शन है सो so, um, सबसे पहले हमने देखा था मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज अ डिफेंस या मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एक्सेप्शन कब मिलता है तो सेक्शन सेवेंटी सिक्स और सेक्शन सेवेंटी नाइन जो है वो इस बारे में बात करता है कि अगर कोई भी इंसान कोई एक्ट कर देता है गुड फेथ में

जैसे अगर कोई सोल्जर फायर कर देता है किसी मॉब पे बाय ऑर्डर ऑफ़ अगर कोई सोल्जर एक्चुअली जो सोल्जर है अगर उसके सुपीरियर um, ने उसको कोई ऑर्डर दिया है तो ये इन गुड फेथ बिलीव करता है कि और अगर ये करते हुए अगर उससे कोई ऑफेंस हो भी जाता है उसके लिए ये इंसान लाइबल नहीं होगा ठीक है हाय ज्योत्सना Uh, when a person is excused by court for unsound mind the person is sent to asylum or to his family. I think either either it will depend case to case basis pe, whether this person requires um, if that person requires medical help and if that that help can only be provided in an asylum or if that help can be provided at home so I think depending upon the circumstance the court will take um, the court will give give directions accordingly. क्रिमिनल लॉ का पैसेज सॉल्व करें तो चलेगा मैम हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं चलेगा ठीक है अच्छा यहाँ उसके बाद हमने ये तो सेक्शन सेवेंटी बिलीव हिमसेल्स नाइन बोलता है कि अगर कोई इंसान कोई एक्ट कर देता है बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ उसको लगता है कि वो इन लॉ इज जस्टिफाइड टू डू वट ही डिड ठीक है जैसे इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था कि ये एक लड़की है सपोज ये एक रिवर के आ, के एज पे खड़ी है और उसके बाद वो पानी के अंदर जाने लगती है तो पीछे एक लड़का खड़ा है वो देखता है कि वो पानी के अंदर जा रही है उसको ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है कि ये लड़की सुसाइड करने, करने वाली है बट एक्चुअली ये सिर्फ मतलब uh, वो सिर्फ आई डोंट नो नोकते सूरज को जल चढ़ाने जा रही थी या समथिंग लाइक दैट ठीक है वो uh, पूजा वूजा करने जा रही थी बस इसलिए वो पानी के अंदर जा रही थी तो यहाँ पे इस इंसान को लगा कि ये ये सुसाइड करने जा रही है तो जैसे जैसे अंदर जा रही थी वो क्या ये uh, आदमी जो है ये भागता हुआ उसके पास जाता है और उसको ऐसे वेस्ट से पकड़ करके बाहर ले आता है ठीक है ड्रैग करके उसको बाहर ले आता है तो यहाँ पे ही विल नॉट बी गिल्टी ऑफ मॉलेस्टेशन ऑल दो ये है कि दिस गर्ल वॉज नॉट एक्चुअली गोइंग टू कमिट सुसाइड दिस दिस गर्ल वॉज एक्चुअली डूइंग सन वर्शिप ठीक है तो यहाँ पे सेक्शन सेवेंटी नाइन जो है वो यही बोलता है कि अगर कोई इंसान ऐसा कोई एक्ट करता है जो उसको लगता है कि ही इज जस्टिफाइड बाई लॉ टू डू दैट एक्ट और बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर वो कोई एक्ट करता है इन गुड फेथ बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस ठीक है दिस इज वॉट सेक्शन सेवेंटी नाइन से उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था सेक्शन सेवेंटी सेवन जो कहता है कि अगर कोई जज सपोज जुडिशली एक्ट कर रहा है ठीक है अगर कोई जज सपोज किसी को ऑर्डर दे देता है इम्प्रजेंट करने के लिए या फिर डेथ सेंटेंस वगैरह दे देता है तो क्या हम उस जज को लाइबल uh, ठहरा सकते हैं फॉर आई डोंट नो कन्फाइनिंग समी और कॉजिंग समबडी इज डेथ हम नहीं ठहरा सकते है. क्यों क्योंकि यहाँ जो जज वट एवर द जज इज डूइंग दैट जज इज एक्टिंग इन हिज जुडिशियल पावर ठीक है जो उसके पास वो पावर है जो वो गुड फेथ में बिलीव करता है कि उसको इन लॉ दिया गया है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग में अगर वो कोई भी एक्ट करता है तो इट विल नॉट बी एन ऑफेंस ठीक है मोलिस्टेशन मतलब एक तरह से सेक्सुअल हारसमेंट ही समझो आ, या जो हम आउटरेजिंग मॉडेस्टी के अंदर हमने जो चीजें देखी थी ना मतलब किसी को किसी को ग्रोप करना आम, मतलब किसी को अनवॉन्टेड तरीके से टच करना मतलब वो सारी चीजें के अंदर आ सकती हैं <coughs> ठीक है साक्षी पर उसके लिए फिर देर आर देर आर प्रोविजन राइट जिसमें अगर माइनर को यूज करके कोई क्राइम कमिट कर रहा है तो पता चलने पर उस, उसको भी पनिशमेंट मिलेगी देर आर प्रोविजन फॉर दैट ऑल्सो ठीक है ठीक है सो सेक्शन सेवेंटी सेवन जो है ये बोलता है कि अगर कोई जज जुडिशियली एक्ट कर रहा है जो गुड फेथ में बिलीव करता है कि उसको ये पावर बाय लॉ दी गई है तो इन दैट केस इट विल नॉट बी एन ऑफेंस बेसिकली इम्यूनिटी दी गई है इस सेक्शन में जजेस को फ्रॉम गिविंग जो भी जजमेंट उनको ठीक लगता है विथ विथ रिस्पेक्ट टू द केस जो भी जजमेंट उनको ठीक लगता है वो जजमेंट वो दे सकते हैं तो, इस, इस, तो इसके बेसिस मतलब इसके लिए जजेस को इम्यूनिटी दी गई है सेक्शन सेवेंटी एट जो है वो बोलता है कि अगर कोई इंसान किसी जजमेंट या ऑर्डर के परसुएंस में कोई काम करता है ठीक है जैसे जज ने ऑर्डर या जजमेंट दे दी गई किसी को इम्प्रजेंट कर देने की या जजमेंट दे दी गई किसी को डेथ सेंटेंस ही दे दी गई ठीक है तो उसमें जो भी इंसान ये एक्ट कर रहा है

कि जो वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है जो भी वो ऑर्डर कर रहा है वो ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है इफ दैट पर्सन फाइंडिंग इट आउट तो चांस ऑफ अरेस्टिंग बी लीगल इफ हैड पावर्स टू शूट जो है वो ज्यादा वो जरूरी है क्या उसके पास ये पावर थी कि वो उस इंसान की I don't know, shoot करने से उसकी डेथ हो गई या सिर्फ इंजरी हुई है बट क्या उसके पास पावर थी कि वो उसको शूट कर सकता है क्या उसके पास ये ऑर्डर्स थे या फिर इन लॉ में भी जो भी जिस भी क्राइम के लिए जिस भी जिसको भी उसको अरेस्ट करना था क्या इन लॉ उसके पास पावर था कि वो uh, अगर सपोज uh, उसको उसको uh, अरेस्ट करना है तो क्या uh, अह मैं तो वो उसको शूट कर सकता है एंड सेकेंडली आल्सो लाइक यू सेड ही हैड अ चांस ऑफ अरेस्टिंग हिम माने कि वो इंसान भागवाग भी नहीं रहा था अगर उसके बावजूद उसको शूट कर दिया गया तो उसके लिए तो फिर जवाब देना पड़ेगा उसके लिए तो लायबिलिटी बनेगी हाँ वही वही दैट्स दैट्स आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई आंसर्ड यप्पी राइट

बाई एक्सीडेंट जहाँ पे कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था कोई नॉलेज नहीं थी जो एक्ट किया जा रहा था वो लॉफुल एक्ट था लॉफुल मैनर में लॉफुल जिससे विच वुड काउंट एज एन ओफेंस अदरवाइज लेकिन अगर ये सर्कमस्टैंड थे तो इन दैट केस दैट पर्सन विल नॉट बी हेल्थ लाइबल इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा ठीक है जैसे कि सपोज देर इज अपिटर Uh, या कारपेंटर छोड़ो मतलब देर इज अ पर्सन जो कि लकड़ियाँ काट रहा है ठीक है वो लकड़ियां काट रहा है उसके पास एक एक्स है ठीक है और उसने बिल्कुल ध्यान दे रखा है कि आ, उसका एक्स जो है वो मतलब प्रॉपर है जहाँ वो लकड़ियाँ काट रहा है वहाँ पे आ, मतलब उसने सारे जो भी प्रॉपर केयर एंड कॉशन लेना चाहिए उसने सब ले रखा है अब क्या होता है कि सपोज कहीं से कुछ बच्चे वहाँ पे खेलते खेलते आ जाते हैं और वो लकड़ियाँ काट रहे हैं ठीक है वो कुछ बच्चे आ जाते हैं और उसको नहीं पता कि वहाँ पे बच्चे आ गए उसने अपने अपने हिसाब से उसने सारा केयर एंड कॉशन लिया था और लकड़ियाँ काटते काटते क्या होता है कि जो एक्स का जो वो ब्लेड वाला जो पार्ट होता है वो उसके हैंडल वाले पार्ट से डिटैच हो जाता है ठीक है डिटैच हो जाता है और वो उड़के जाकर के सपोज एक जो बच्चे जहाँ पे खेल रहे हैं वहाँ पे किसी को लग जाता है और वहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है किसी को कुछ इंजरी हो जाती है ठीक है तो यहाँ पे इवन इफ एक्ट हुआ है विच हैव अदरवाइज Uh, में, means के, साथ, सारे care and के साथ कर रहा था उसके बावजूद अगर कोई एक्ट हो जाता है तो फिर उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा ठीक है सो एक्सीडेंट अंडर सेक्शन एटी इज अनादर जनरल एक्सेप्शन पुलिस स्टेशन एंड द पर्सन इज क्रिमिनल ऑफ डिट अदर ऑफेंसिस एंड मर्डर ऑल्सो अब ये एक्चुअली मुझे इतना डिटेल में मुझे नहीं पता चाहता किस कि किन, किन, किन के, uh, मतलब किन किन केसेज में पुलिस ऑफिसर्स के पास ये पावर होता है कि uh, वो मतलब इनकाउंटर कर सकते हैं एक तरह से बट बट जनरली जो भी प्रोसीजर है जो भी लॉ है उसको uh, उसी तरह से फॉलो uh, किया जाना चाहिए मतलब इट्स जनरली यही होता है कि आप शूट नहीं कर सकते यू हैव टू यूज ऑल मीन्स टू अरेस्ट दैट पर्सन टू डिटेन दैट पर्सन लेकिन शूट करना बहुत बहुत एक्सट्रीम uh, वाली चीज हो जाती है जिसमें मोर ऑफ इन नॉट देर इज क्रिमिनल लाइबिलिटी जो कि लगेगी ऑफिसर के ऊपर ठीक है उसके बाद um, हमने सेक्शन एटी वन देखा था टॉक्स इंसान ने किया है, उसको है, कि वो जो करने जा रहा है उससे हार्म कॉज होगा लेकिन उसने वो एक्ट गुड फेथ में किया है बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के किया है और पॉसिबली कोई भी फर्दर हार्म प्रिवेंट करने के लिए किया है ठीक है तो यहाँ पे नेसेसिटी का डिफेंस लगेगा एंड दिस विल नॉट कम अंडर एन Hi, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई देर इज अ सेलर देर इज अर सपोज देर इज अ कैप्टन ऑफ अ शिप और वो शिप डूब रही है ठीक है और कैप्टन के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू ओवर थ्रो सम पैसेंजर्स ओवरबोर्ड ठीक है कोई और ऑप्शन है ही नहीं तो यहाँ पे ऑल दो सेलर को जो कैप्टन है उसको पता है कि वो जो काम करने जा रहा है उससे हार्म कॉज होगा लेकिन वो जो भी कर रहा है वो गुड फेथ में कर रहा है वो बाकियों को बचाने के लिए कर रहा है बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के कर रहा है और फर्दर हार्म को प्रिवेंट या अवॉइड करने के लिए कर रहा है ठीक है सो सो यहाँ पे अगेन um, uh, यहाँ पे ये यह जो कैप्टन जो भी इसने एक्ट किया है इट विल अंडर उसको नेसेसिटी के अंदर um,

तो यहाँ पे अगर ये इंसान सपोज राइट की तरफ लिवर पुल कर देता है अगर वो इस तरफ लिवर पुल कर देता है टू पॉसिबली सेव दिज फाइव पीपल ही हैज टू आई आई डोंट नो सैक्रिफाइस वन पर्सन तो अगर ही टेक्स दैट डिसीजन जहाँ पे इसके पास और कोई चॉइस ही नहीं थी वो ना तो इस ट्रेन को रोक सकता था वो और कुछ भी नहीं कर सकता था उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी तो यहाँ पे अगर ये एक्ट इसने किया है जिससे इसकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे दिस एक्ट कैन बी सेट की दिस हैज बिन डन क्योंकि नेसेसिटी थी सिचुएशन की राइट और कुछ किया नहीं जा सकता था इस इंसान का कोई इंटेंशन नहीं था इसने गुड फेथ में किया है बाकियों को जो फर्दर हार्म है वो प्रोवाइड वो प्रिवेंट करने के लिए किया था ठीक है सो so यहाँ पे सेक्शन 81 वन तब यूज होता है जहां पे देर देर आर सर्कम ऑफ सडन एंड एक्सट्रीम इमरजेंसी एंड वन और अदर ऑफ द टू दूव इज इन दोनों में से कुछ तो होगा ही और आपके पास अब चॉइस है कि आपको ज्यादा ईवल ज्यादा हार्म करना है या फिर कम हार्म करना है अगर आपके पास यही दो चॉइस ही है तो उस टाइम पे अगर आप कुछ ऐसा करते हो कि कम हार्म हो तो भले ही उसमें होगी किसी ना किसी को इंजरी होगी किसी ना किसी को कोई किसी तरह का हार्म होगा बट स्टिल आप इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन के अंदर उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा ठीक है सो दिस इज सेक्शन 81 वन विच टॉक्स अबाउट डिफेंस ऑफ नेसेसिटी ठीक है तो यहां तक हमने लास्ट सेशन में बात की थी आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं um,

ठीक है वो जब अभी अभी हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस पे जाएंगे ना इसके अंदर ही जनरल एक्सेप्शन में सेक्शन 96 से लेकर के 106 जो है वो बात करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस की तो वहाँ पे दिस इज गोइंग टू बेट गेट मोर क्लियर कि किस केसेस में आप डेथ कॉज कर सकते हो किसी इंसान की When there are so many moral dilemmas in law, on what basis is judgment given? Because victim is definitely sympathized but, but uh, with, but offender is also as non-guilty as victim. Amartya, uh, with our criminal justice system, the criminal justice system, I think not even, not just in India, I think in most of the countries in the world, the criminal justice system is actually more sympathetic towards the accused. Okay? we uh, All the criminal justice systems, वर्क um, वही वर्क ऑन द प्रिंसिपल कि वही भले ही देर आर था बेनिफिट ऑफ दूस की तभी कि मतलब आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको बियॉन्ड रिजनेबल डाउट प्रूव करना होता है कि इस इंसान ने वो एक्ट किया है कि इंसान एक्चुअली गिलती है बियॉन्ड रिजनेबल डाउट तो समझ रहे हो आप जो भी accused की तरफ से सपोज जो भी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल दे हैव टू डू टू मेक श्योर कि उस accused को पनिशमेंट ना मिले इज दे ऑल दे हैव टू डू इज टू क्रिएट अ डाउट छोटा सा डाउट वो क्रिएट कर देंगे एंड द कोर्ट विल नॉट यू नो नॉट पनिश देम फॉर फॉर देयर एक्ट सो डेफिनेटली मतलब um, uh, जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इट इट मेक्स श्योर sure, अपने पार्ट पे इट मेक्स श्योर की कोई गिल्टी नॉन गिल्टी इंसान है उसको पनिशमेंट ना मिले फॉर समथिंग दैट दे हैव नॉट डन ठीक है ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 82 के बारे में सेक्शन 82 जो है this basically talks about there is an act act which which has has done done by a, which has been done by a a been child below seven years of age तो स नहीं माना जाता देर इज incapax मैगजिम डोली इसका बेसिकली मतलब होता है इनकेपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग एंड इंटेंशन तो सेक्शन 82 में जो जिसकी भी बात हो रही है सात साल से कम के जो बच्चे हैं उनको ये माना जाता है कि दे आर अभी दे आर इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग एन इंटेंशन सो इवन इफ दे हैव डन समथिंग वेरी ग्रेव किसी की डेथ भी अगर कॉज कर दिए तो भी जस्ट बिकॉज दिस पर्सन दिस बच्चा इज स्टिल इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग एन इंटेंशन अ क्रिमिनल इंटेंशन देयरफॉर उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा ठीक है सो सपोज अ चाइल्ड ऑफ सेवन ईयर्स ऑफ एज वो उसके घर में कोई गन रखी है वो ट्रिगर दबा देता है अपने उसके फादर की डेथ हो जाती है तो दिस दिस बच्चा हैज कॉज द डेथ ऑफ हिज फादर फिर भी दिस बच्चा विल नॉट बी ठीक है Because, complete, complete है बिकॉज बिल्कुल कंप्लीट कंप्लीट इम्यूनिटी इफ द चाइल्ड इज लेस देन सेवन इयर्स ऑफ एज ठीक है सेक्शन 83 जो है वो कहता है कि अगर बच्चा सात से बारह साल के बीच का है ठीक है अगर बच्चा सात से बारह साल के बीच का है अगर इससे कोई एक्ट हो जाता है ठीक है इफ दिस पर्सन दिस बच्चा डज सम एक्ट तो यहाँ पे आ, ये देखा जाएगा कि जो बच्चा है क्या ही वॉज मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि अः इसने क्या किया है ठीक है क्या मतलब इसको पता था नेचर एंड रेप्रिकॉशन ऑफ इस कंडक्ट वॉज ही मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड वॉट हीस तो फिर उसको लाइबल ठहराया जाएगा इफ नो no, तो फिर उसको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा ठीक है सो अगर इट एन एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अब इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग अगर अंडरस्टैंडिंग है बच्चे की तो उसको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा लेकिन अगर दैट पर्सन नोज ठीक है उसको मेच्योरिटी है उसको पता है कि उसने क्या किया है नेचर एप्रिकॉशन उसको मालूम है तो फिर उसको लाइबल ठहराया जाएगा ठीक है डोली इनके पैक्स आई एन सी ए पी एक्स ठीक है इन इन कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग एन इंटेंशन विवेक तो भी उस बच्चे को नई पनिशमेंट मिलेगी जिसने भी उसको सिखाया होगा उसको पनिशमेंट मिलेगी इन दैट केस ठीक है उसके बाद आ, हाँ सपोज एक दस साल का बच्चा है ठीक uh, है, उसके, उसके है तो अगर इस बच्चे को नहीं पता था suppose एक दस साल का बच्चा है, है सपोज उसको किसी घर में एक गोल्ड चेन मिल जाती है उसको एक घर में एक गोल्ड चेन मिल जाती है और वो क्या करता है कि वो जा करके एक शॉप में जो शॉपकीपर है उसको बोलता है कि आ, अंकल मेरे को ये गोल्ड चेन आप रख लो और मुझे Uh, uh, मुझे फाइव पैकेट्स ऑफ चिप्स दे दो ठीक है मुझे फाइव पैकेट्स ऑफ चिप्स दे दो तो यहाँ पे इस सिचुएशन में यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि ये जो दस साल का बच्चा है इसको पता नहीं है कि उसने क्या किया है मतलब क्यों? या मतलब उसने उसको नेचर और एप्रिकॉशन पता नहीं है अपने एक्ट का ही इज नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड बट सपोज यही दस साल का बच्चा उसने गोल्ड चेन चुराई है और वो जाकर के किसी ज्वेलर को बोलता है कि ये गोल्ड चेन है मेरे पास इसको प्लीज वजन करो और इसका जो भी पैसा बनता है वो मुझे दे दो ठीक है तो यहाँ पे जो दस साल का बच्चा है उसको क्लियरली पता है कि उसने क्या किया है ठीक है सो सेकेंड केस में दिस पर्सन विल बी हेल्थ लाइबल फर्स्ट केस में Uh, जो बच्चा है सिंस दैट पर्सन इज नॉट मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड प्रिकॉशन ऑफ हिस कंडक्ट उसको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा ठीक है Uh, अगर उस सात साल के बच्चे को कोई सिखा दे कि अच्छा ये तो मैंने बता दिया मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया आपने आपका क्या क्वेश्चन था um, अगर वो लीवर से ज्यादा डेथ कॉज हो गया तो मतलब पाँच की डेथ हो गई तब क्या होगा तो इन दैट केस मतलब आई थिंक गोइंग बाय कॉमन नॉलेज या कॉमन सेंस उस इंसान को नेसेसिटी की डिफेंस तो नहीं मतलब नेसेसिटी के अंदर जो डिफेंस है वो तो नहीं मिलेगा फिर फिर देखा जाएगा क्या इंटेंशन था क्या मतलब

At the time, जब उसका ट्रायल चल रहा है तो फिर उसको देखा जाएगा कि वेदर इसकी अंडरस्टैंडिंग थी मेचोरिटी थी या नहीं कि इसने जो किया है वो क्यों किया क्या सोच के किया ठीक है सो दैट इज सेक्शन एटी टू एंड एटी जो की बात करता है कि अगर कोई माइनर कोई बच्चा अगर कोई एक्ट कर रहा है तो उसको, आ, उसको किस तरह से जनरल एक्सेप्शन के अंदर उसका बेनिफिट मिलना चाहिए ठीक है

क्या होता है कि वो सपोज कि वो कुछ बच्चों के साथ खेल रहा है और उसमें से क्या होता है कि अचानक से वो एक नाइफ लेता है और खेल खेल में वो एक बच्चे को मार देता है ठीक है एंड देन वो वहीं पे बैठा है और वहीं पे वो बैठ के सपोज क्लैप कर रहा है कि ये बच्चा अभी उठेगा, अभी उठेगा रोएगा मतलब उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या किया है राइट right? उसने उसकी डेथ कॉज कर दी और उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या किया है तो अब ऐसे इंसान को आप क्या सजा दोगे राइट right? जिसको जिसको पता ही नहीं है जिसको दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द आर्ट ठीक है ऐसे इंसान को आप क्या सजा दोगे ठीक है so, सो यहाँ पे अगेन दिस इज एक्सक्यूजल अंडर द डिफेंस ऑफ इंसानिटी अंडर सेक्शन एटी पांच सौ ग्यारह सेक्शन याद होने चाहिए आकाश नहीं मुझे भी याद नहीं है पांच सौ ग्यारह सेक्शन बहुत मुश्किल है पांच सौ ग्यारह सेक्शन याद करने जो इम्पोर्टेंट से वो आपको भी uh, पता होने चाहिए दिस एवरी लॉ वर्क ऑन कोर्ट प्रिंसिपल एंड रिवॉल्व अराउंड ऑफ मतलब सो so, हर सिचुएशन जो आती है उस पर लॉज तो वही है ठीक है कोर प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज वही है जो उस पर लगते हैं बट हाँ गिवन द सर्कमस्टांसिस वी आल्सो नो कि लॉ एक ऐसी चीज है विच इज ऑल द टाइम इवॉल्विंग राइट जिसको गिवन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ ऑफ दैट मतलब वो उस उस पर्टिकुलर केस का सिचुएशन कह लो या फिर उस केस का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो सब देख के कह लो तो कोर्ट्स ऑलवेज हैव एन ऑप्शन ऑफ इंटरप्रेटिंग सम प्रोविजंस इन वेज जो कि मतलब जो कि बेस्ट सूटेड हो सोसाइटी uh, के लिए भी विक्टिम के लिए भी और मतलब जस्टिस के लिए एक तरह से देखा जाए तो जस्टिस के लिए बेस्ट सूटेड हो ठीक है सो इट इट्स आई थिंक इट्स इट्स बोथ एक तो ऑब्वियसली जो कोर प्रिंसिपल्स है वो सेम है लेकिन आ, um, जो इंटरप्रिटेशन होता है वो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के किया जाता है Obviously, the core principles stay the same. Definitely, hi Zenitsu. बैराग कब काम आएगा हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल और क्या <laughs> ठीक है सो सेक्शन एटी फोर जो है ये इंसानिटी का डिफेंस देता है एग्जांपल ए सपोज इज अ पर्सन हु इज हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड वो वो एक आ, वो बी को एक चाकू से लेकर के उस, उसको मार देता है थिंकिंग इट टू बी अ फन गेम ठीक है यहाँ पे उस इंसान को बी की डेथ के लिए लाइबल नहीं ठहराया जाएगा क्योंकि जो जो या भी उसने किया है है उसको ठीक तो यहाँ पे uh, insanity का डिफेंस मिलेगा इस इंसान को ठीक है अच्छा इसमें एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट केस है या uh, uh, yeah, मतलब केस जिसके जिसके बेसिस पे मेकनोर्टन रूल्स आए हैं ठीक है सो आई जस्ट आई जस्ट डिस्कस दिस विथ यू तो हुआ क्या था कि 1843 में जो है McNaughton, उन्होंने मिस्टर मिस्टर uh, को मार दिया ठीक है मिस्टर कौन थे उस टाइम पे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे ठीक है सो देर वॉज दिस पर्सन मेकनोटन उसने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे प्राइवेट सेक्रेटरी थे उनकी uh, उनकी डेथ कॉज कर दी ठीक है और इस मिस्टेक के अंदर मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर उनको ऐसा लग रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर को मारने जा रहे हैं लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया उनको और उन्होंने प्राइवेट सेक्रेटरी जो थे उनकी डेथ कॉज कर दी कोर्ट में जाकर के उन्होंने इंसानिटी प्लीड किया ठीक है

जो है है वो फ्रेम पुछ, आ, पुछ फ्रेम किए किए गए गए या कुछ कुछ जनरल प्रिंसिपल्स जिनको रूल्स कहा जाता कि कब हम इंसानिटी का डिफेंस लेंगे उसको लेकर क्लियरली रूल्स क्या है एग्जैक्टली कब हम मान सकते हैं कि इंसानिटी का डिफेंस लिया जा सकता है किसी सिचुएशन में तो मैकनॉटन रूल्स को फॉर्म किया गया ये स्टेट करता है डिफेंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंसानिटी इट मस्ट बी क्लियरली प्रूव्ड क्लियरली प्रूव्ड दैट एट द

डेथ कॉज हो गई ठीक है तो इस तरह से इंसानिटी का डिफेंस नहीं लिया जा सकता इंसानिटी का डिफेंस लेने के लिए क्लियरली प्रूव करना पड़ेगा कि जिस टाइम पे वो एक्ट हुआ है उस टाइम पे जो इंसान है वो बिकॉज ऑफ डिजीज ऑफ द माइंड दैट पर्सन इज अंडर सच अ डिफेक्ट जहां उसको नहीं पता नेचर एंड क्वालिटी ऑफ वॉट दैट पर्सन इज डूइंग और इवन इफ उसको पता है कि वो क्या कर रहा है उसको ये नहीं पता कि वो जो कर रहा है वो गलत है ठीक है सो आइदर ऑफ द टू या तो उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है उससे क्या होगा या फिर अगर उसको पता है तो ही इज नॉट इन अ टू सही गलत क्या होता है ठीक है बिकॉज ऑफ डिजीज ऑफ द माइंड ऑफ बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज ऑफ दैट डिफेक्ट बिकॉज ऑफ डिजीज ऑफ द माइंड ठीक है तो ये जो है uh, ये ले डाउन किया गया इस पर्टिकुलर केस में या इस पर्टिकुलर केस के बाद जिसको मेकनोर्टन रूल्स कहते हैं ठीक है सो so, इस चीज को बेसिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई कि कब हम ले सकते हैं इंसानिटी का डिफेंस हम कब ले सकते हैं या कब देना चाहिए किसी को इंसानिटी का का डिफेंस या उस, उसके अंदर का बेनिफिट ठीक है इज लॉ सपोज टू बी सिंपथेटिक लॉ इज नॉट सपोज टू बी एनीथिंग लॉ इज सपोज टू

Uh, शाहबाज हाँ अगर उस सू तो उसको किया जा ही सकता है केस तो उसके ऊपर किया किया जा ही सकता है और अगर केस होगा तभी तो कोर्ट उसको एक्सेप्शन uh, ग्रांट करेगा ना इंसानिटी का सो so, केस अगर उस पर हो जाता है और अगर पता चल जाता है कि दिस पर्सन वाज अंडर uh, उसको नहीं पता था कि ये जो भी कर रहा है मतलब बिकॉज ऑफ सम डिजीज ऑफ द माइंड दिस पर्सन इज इनसेन और इज ऑफ अनसाउंड माइंड तो फिर कोर्ट उसको उस चीज के लिए uh, ग्रांट नहीं करेगा मतलब पनिशमेंट नहीं देगी कोर्ट उसको बेसिकली उसको कर दिया जाएगा ठीक बेसिकलीफ एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेड फॉर ब्रिंग डाउन कार्टल वर्किंग एस अट लेट हिम गो विद्रोसेस हाँ इस तरह की डील की जाती है बिल्कुल की जाती है तो इम्यूनिटी दे दी जाती है इन्फॉर्मेशन

इसको ऐसा लगा कि इसको मतलब पैराडाइज में किसी ने उसको कमांड किया है कि अपने बेटे अपने बेटे को सैक्रिफाइस कर दो तो, चार साल का बेटा है उसको सैक्रिफाइस कर दो तो. अगले दिन वो मॉस्क में गया अपने बेटे को मार दिया ठीक है और उसके बाद उसके बाद वो सीधे अपने अंकल के पास चला गया ठीक है लेकिन वहां देखा कि आ, एक चौकीदार खड़ा था तो वहां से उसे अंकल को एक मतलब पास के कहीं टैंक वाली जगह पे बुलाया और उसको पूरी कहानी बताई तो यहाँ कोर्ट ने बोला कि दो था कि ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है ठीक है उस टाइम पे I don't know what influence क्या मतलब इसको लगा कि हाँ इसको सच में किसी मतलब ऊपर वाले ने कुछ तो इसको बोला है कि आप अप, अपने बेटे को सैक्रिफाइस कर दो एंड एंड उसने उस इन्फ्लुएंस उस के अंदर उसने कर दिया ठीक है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही ओपाइन किया ऑल्सो को ने ओपाइन किया कि अगेन ये सेकेंड पार्ट जो मैं बता रही थी कि या तो उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है या फिर अगर उसको पता है तो उसको ये नहीं पता कि वो काम गलत है ठीक है तो यहाँ पे इस सेकेंड सेकेंड पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट इसको यूज करते हुए कोर्ट ने बोला कि हम इसको गिल्टी नहीं ठहराएंगे ठीक है सो दिस इज अबाउट डिफेंस ऑफ इंसैनिटी ठीक है आपको समझ में आया इंसैनिटी का डिफेंस समझ में आया मिकनोर्टन रूल्स समझ में आए ऑल्सो उसके पहले वाला भी um, जो हमने डिस्कस किया था इन्फेंसी इन्फेंसी का डिफेंस सेक्शन एटी टू एटी थ्री के अंदर आर दीज टू डिफेंसिस क्लियर टू यू गाइज एक बार प्लीज मुझे थम्स अप देख बता दो इफ दिस इज क्लियर Yeah? Okay. Okay. If the intelligence agency in the end betrays him on the deal, so can and it will be said according and I think they can. I think they can because um there's a deal which has been signed properly. Right? So I think either Jobi Joby counsel Hoga ga particular witness ka they can definitely definitely take up अथॉरिटीज़ अगेंस्ट इट कि भाई आपने प्रॉपरली साइन करवाया है तो अब आप कैसे मुकर रहे हो ठीक है सो so, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन ठीक है इंटॉक्सिकेशन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट जस्ट लिसन टू दिस सेक्शन 85 और 86 जो है ये बात करता है क्या इंटॉक्सिकेशन के अंदर सपोज कोई अगर कोई एक्ट कर देता है तो क्या उसको बेनिफिट मिलेगा इस इस एक्सेप्शन के अंदर तो सेक्शन 85 जो है वो बोलता है कि एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाई रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज विल अगर बिना उसके विल के उसको इंटॉक्सिकेट किया गया ठीक है यानी वो इंसान इंटॉक्सिकेट नहीं हुआ है खुद से जाकर के उसने ड्रग्स नहीं किए खुद से जाकर के उसने अल्कोहल uh, नहीं पिया मतलब उसको उसके विल के उसको उसको उसके के किया गया है है अगर अगर तब अगर वो इंसान कोई कमिट कर देता है, तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा ठीक है ये है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन इनकेपेबल ऑफ नोइंग नेचर ऑफ द एक्ट इंटॉक्सिकेशन की वजह से

एक सपोज देर इज अ पर्सन जो कि एक पार्टी में गया ठीक है और वो ड्रिंक नहीं करता लेकिन वहां उसके ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया ठीक है उसको उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया जिसकी वजह से वो इंटॉक्सिकेट हो गया जिसकी वजह से वो घर जब जा रहा था तो अम्म उसने आ, किसी इंसान को हिट कर दिया हिट एंड रन का केस हो गया मान के चलो तो यहाँ पे इस इंसान को लाइबल नहीं माना जाएगा क्योंकि जो अल्कोहल उसको पिलाया गया था वो बिना उसके नॉलेज के बिना उसके विल के उसको पिलाया गया था Okay? Amartya, <laughs> see the questions that you're putting are very true, um, and practically, there are a lot of things which don't go according to what the letter of the law says.

नथिंग इज एन ऑफेंस ऑफेंस उसको नहीं माना जाएगा अगर वो इंसान इंटॉक्सिकेटेड था इंटॉक्सिकेशन में होने की वजह से उसको नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है या वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है या फिर कुछ लॉ के अगेंस्ट कर रहा है उसको नहीं पता था प्रोवाइडेड कि जो इंटॉक्सिकेशन है वो उसको इनवॉल्टरिली एडमिनिस्टर किया गया है बिना उसके विल के बिना उसके नॉलेज के इज दिस क्लियर ये समझ में आया आपको सेक्शन एटी फाइव टॉक्स अबाउट दिस प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर ओके नाउ व्हाट अबाउट पीपल जो कि वॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेट होते हैं क्या उनको भी डिफेंस दिया जाएगा क्या उनको भी इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा तो उसके बारे में सेक्शन एटी सिक्स बात करता है सेक्शन एटी सिक्स बात करता है ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड दिस अप्लाइज टू केसेस जहां पे एन एक्ट इज डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट

उस इंसान जो भी उसने किया है वो उसको उसी तरह से डील किया जाएगा इट इज टू बी डेल्ट विद एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज एज इफ ही वुड हैव हैड इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड ठीक है तो ये माना जाएगा कि इस इंसान मतलब नॉलेज मेंस रिया में नॉलेज देखा जाएगा कि इस मतलब द कोर्ट विल प्रिज्यूम कि इसको वही नॉलेज थी जो इसको होती अगर ये इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता ठीक है तो मतलब इंटेंशन चलो फिर भी माफ है लेकिन ये देखा जाएगा या इस हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगी कि उसको नॉलेज सेम थी जो उसके पास होती अगर वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं था क्यों क्योंकि जो भी जो भी इंटॉक्सिकेशन था वो वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन था अमरथ अंडर आईपीसी नो अंडर आईपीसी वो सब इसमें ही आता है अगर कोई पर्सन वॉलेंटरीली ड्रग ओवरडोज करता है सो विल ही बी नॉट श्योर जो लॉज हैं ड्रग्स को लेकर के uh, वो यही है कि इवन इफ अ पर्सन हु प्रोक्योर्स ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट्स ड्रग्स और um, हुके लिए पनिशमेंट वैसी ही है मतलब और और काफी हार्श पनिशमेंट है एक्चुअली इंडिया में जो ड्रग रिलेटेड लॉज है उसके हिसाब से जिसको लेकर के बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज uh, भी है जिसको लेकर के बहुत डिबेट्स uh, वगैरह भी uh, उठते हैं कि भाई जो जो प्रोक्योर कर रहा है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको आप पनिश कर रहे हो वो तो सही है बट जो यूज कर रहा है पॉसिबली जो यूज कर रहा है दैट पर्सन हैज आई डोंट नो मे बी दैट पर्सन इज एडिक्टेड सो मे बी इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट व्हाट दे नीड इज हेल्प what they need is rehabilitation so why why punish people um, who are already you know maybe going through a disease addiction is a disease right so is cheez ko lekar ke bahut bahut debates bhi hote hain but ha as of right now yes क्लाइट के लिए कितना पीरियड चाहिए मैम प्रिपरेशन के लिए राकेश डिपेंड्स um,

एंड थ्री मंथ आर गुड एन ऑफ ठीक है अगर आपके पास एम्पल टाइम है तो तीन महीने में आप अच्छे से प्रिपेयर करके क्लार्ड का एग्जाम दे सकते हो एंड कहीं अच्छे जगह पे आप एडमिश ले सकते हो और अगर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का एग्जाम देना है तो वो भी डिसम्बर में होने जा रहा है लाइक मोर दे है यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर इन दैट टाइम ठीक है शाह हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली वो हार्ड ड्रग्स और मतलब drugs और हार्ड ड्रग्स के बीच में डिस्टिंगशन सो so, उसके बेसिस पे भी पनिशमेंट वगैरा दिए जाते हैं ठीक है, so, है, है कि किसी ने खुद को वॉलेंटरीलीट कर लिया है और तब अगर उससे कोई एक्ट हो जाता है तो कोर्ट इस चीज को वैसे ही डील करेगा जैसे उसके पास सेम नॉलेज थी जो उसके पास होती अगर वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता ठीक है तो सपोज अ पर्सन इंटॉक्सिकेटेड स्टैब्स स्टाफ अदर पर्सन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल विच वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम बिना उसके नॉलेज के बिना उसके विल के तो ये इंसान जो है वो लाइबल नहीं होगा ठीक है क्योंकि जो भी उसको इंटॉक्सिकेट uh, किया गया वो उसके नॉलेज या विल के अगेंस्ट किया गया था बिना बिना उसके नॉलेज या विल के किया गया था तो अगर वो सपोज किसी और को कर देता है तो पर्सन विल नॉट बी लेकिन अगर वो स्टैप करता है अंडर वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन तो उसको लाइबल ठहराया जाएगा ठीक है उसका मेंस रिया वैसे ही माना जाएगा जैसे कि उसको उतनी ही नॉलेज थी जितनी उसकी उसको होती अगर वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता ठीक है सो दिस इज व्हाट सेक्शन 86 सेस अब इसमें देयर इज दिस केस ऑफ बसदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू इसमें क्या हुआ था कि uh, बहुत ये भी 1956 का केस है इसमें क्या हुआ था कि देयर वाज दिस पर्सन जो एक शादी में बैठ के खाना खा रहा था ठीक है खाना खा रहा था और उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था हुँ. तो ये बच्चा ये जो आदमी है ही वॉज बहुत अल्कोहल वगैरह पी रखा था और ये बैठ के खाना खा रहा इसके बगल में जो बच्चा जो है हिलने से मना हो गया मतलब तो वो, वो उसने बोला कि वो नहीं हटेगा वहां से तो वो जो इंसान है उसने क्या किया कि उसने उस बच्चे को शूट कर दिया और उस बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि चूंकि यहाँ पे Um, इस पर्सन का जो इंटॉक्सिकेशन था वो वॉल्टरी था तो यहाँ पे हम यही मानेंगे कि इसको उतनी ही नॉलेज थी जो ये एक्ट किया इसने हम यही मानेंगे कि इसको उतनी ही नॉलेज थी जितनी उसको होती अगर ये इंसान सोबर होता ठीक है और जहां तक बात रही इंटेंशन की तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या मतलब सर्कमस्टांसेस क्या अपॉइंट करते हैं बट नॉलेज तो हम यही मानेंगे कि उतनी थी जितनी इसको होती अगर ये सोबर होता ठीक है तो फिर इस हिसाब से इसको पनिशमेंट मिलेगी विवेक यूपीएस की फॉर्म कब आती है आई थिंक अब आ जानी चाहिए यूपीएस की फॉर्म um, अभी तक अगर नहीं आई है तो अब आ जानी चाहिए जस्ट कीप अट चेक एट इट यू पी एस डॉट ए सी डॉट आई एन उसकी वेबसाइट है जस्ट गो एंड चेक कब उसकी मतलब फॉर्म वगैरह कब रिलीज हो रहे हैं और इज इट टफ दैन क्लैट इट इज नॉट टफ दैन क्लैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो U, के केस में होती है कि uh, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती सो दैट इज अ प्लस पॉइंट एंड एंड हाँ एंड एंड दे टेक एडमिशन ऑन यू एल्थ मतलब खुद के एग्जाम्स के भी बेसिस पे क्लास कोर्स के भी बेसिस पे आई थिंक पॉसिबली ट्वेल्थ के एग्जाम्स के भी बेसिस पे सो यू कैन यू कैन चूज आइदर ऑफ द थ्री ऑप्शन देर ठीक है

तो वो फिर कुछ और ही होता है तो ये तो किसी भी चीज के लिए ट्रू है लॉ इज नॉट समथिंग विच इज न्यू टू दिस थिंग यू नो सो 86 सेक्शन 86 जो है ये बात करता है वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन की और उस केस में किस तरह से पनिशमेंट दिया जाएगा ठीक है सो आई विल डिस्कस मोर सेक्शंस इन बिट

नंबर ऑफ में आर द ड्यूशन एंड नंबर ऑफ सेशन एंड हियर आर योर मेंटर्स मिस्टर अनमोल गुप्ता एंड मिस्टर अंशुल बच्च जो की ए आई आर रैंक होल्डर थ्री और ट्वेंटी फोर रहे बैंगलोर के स्टूडेंट्स रहे ऑल्सो ऑल स्टेट लॉ एंट्रेंस प्रेप अगर आप करना चाहते हो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के लिए तो हम आपके लिए मास्टर लॉ नाम का एक बैच लें क्या रहे है ट्वेंटी सेवन जनवरी से स्टार्ट होगा ये इंग्लिश में होगा छ महीने का बैच है इसमें आपको रेजा हंड का फीचर मिलेगा लाइफ वाइज सलूशन मिलेगा फॉर्टी प्लस रिजन मॉक टेस्ट और वीकली विकली टेस्ट मिलेंगे थर्टी प्लस प्रैक्टिस एंड रिविजन सेक्शन मिलेंगे मथली करेंट अर्यरस और जीके का कंबेंडियम मिलेगा इसमें आपको कॉन्टिटेटिव टेक्निक्स पाएंगे मिस्ट्री सिंह इंग्लिश पढ़ाएंगे मिस्टर समीर खान लीगल रीजन पढ़ाएंगे मिस्टर शुभम शुभम वर्मा लॉजक रीजन नीतू कमल जनरल जर्नल पढ़ाएंगे मिस्टर प्रशांत पांडे अगर आप क्लैट या बाकी लॉ इंट्रेस नेशनल लॉ इंट्रेस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो

यूज करते हो लॉयर अप मेरा कोड है तो आपको 10 परसेंट का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है लॉयर अप मेरा कोड इसलिए बिकॉज इट्स इंस्पायर्ड बाय द फ्रेस सूट अप सूट अप का मतलब होता है टू गेट रेडी सो व्हेन आई से लॉयर अप आई वांट यू गाइस टू गेट रेडी टू बिकम लॉयर्स ऑल्सो अनाउंसमेंट 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 रिपब्लिक डे स्पेशल अभी चल रहा है ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी से ट्वेंटी सेवन जनवरी के बीच अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये जो ऑफर है ये सिर्फ प्लस के सब्सक्रिप्शन पे है सो पे अटेंशन तो अगर आप छह महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको तीन महीने का अडिशन सब्सक्रिप्शन मिल रहा है बारह महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो छह महीने का अडिशनल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है बारह महीने या बारह महीने से ऊपर के अगर आप सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको अडिशनल छह महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है ठीक है सो दिस इज एन ऑफर जो कि पच्चीस सेताइस जनवरी तक वैलिड रहेगा एंड

जिसमें मेरा सेशन कल कल छब्बीस है ना हाँ ट्वेंटी सिक्स जनवरी को मेरा सेशन होगा सेवन थर्टी पीएम पे सेवन थर्टी पीएम टू एट थर्टी पी एम मेरा सेशन होने जा रहा है जिसमें हम एक क्विज करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे ठीक है देर इज गोइंग टू बी अ क्विज़ ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यू कैन पार्टिसिपेट इन दट लाइव क्विज एंड जो भी टॉप स्कोर होंगे उनको अमेजॉन बाउटर्स मिलेंगे वर्थ रुपीज टू हंड्रेड रुपीज़ ये ये जो क्विज है ये अन अकेडमी ऐप पर होगा ये फ्री स्पेशल क्लास होगी इसकी लिंक मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी नेहा सिंह अन अकाडमी लॉ दैट इज माई टेलीग्राम चैनल यू गाइस कैन ज्वाइन दैट इफ यू हैविट ऑलरेडी एंड आई विड शेयर द लिंक योर और एंड एंड आल्सो इसको अगर आपको अनलॉक करना हो तो अगेन मेरा कोड यूज कर लेना लॉयर अप एंड यू कैन अनलॉक दिस सेशन ठीक है अन अनअकैडमी ऐप पे देयर आल्सो देयर इज आल्सो अ लाइव क्विज फीचर जहाँ यू कैन आइदर होस्ट अ क्विज एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू जॉइन और यू कैन जॉइन अ लाइव क्विज दैट इज शेड्यूल्ड बाय योर एजुकेटर्स ओनली फॉर रैंक और यस यस

दर इज ऑल्स बग्स बाउंड्री फीचर जहां अगर आपको कोई भी अप्रोप्रेड कंटेंट दिखता है किसी भी वीडियो में तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं फर्स्ट रिपोर्ट परटिकल प्राइज दैन अकाडमी हज फर यू एंड फॉर मॉर डिटेल चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलोला लास्टी दिस इस माई टेलीग्राम चैनल नेहासिंग अकाडमी लॉ जो भी मेरे अपकमिंग सेशन्स वगैरह है उनकी सेशन कोर्सेस इवेंट्स इनकी लिंक्स वगैरह जो है यहाँ पे आ जाती है सो कम एंड जॉइन दिसल सो दैट यूर अपडेटेड एंड ऑल्सो हैविंग सेट दैट आज भी शाम को there is going to be a class, 7 पे राइट टू फ्रीडम फंडामेंटल राइट हम आज right डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल नाइनटीन एंड आर्टिकल ट्वेंटी ठीक है आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो इसकी भी लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है टेलीग्राम चैनल पे मैं फिर से शेयर कर दूंगी कमेंट ज्वाइन द सेशन ओके तो आज ये सेशन है और कल साढ़े सात बजे क्विज है जिसमें जो तो टॉप स्कोर होंगे उनको एमेजोन प्राइजेस मिलेंगे वर्थ रुपीज टू हंड्रेड रुपीज ठीक है um, एक सेकेंड आई कैन सी सो मेनी पीपल सेंडिंग कुछ 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 क्वेश्चंस क्वेश्चन सपोज मैंने अगर प्लस लिया है बट उसका डेट एंड हो गया है उसके बाद भी मैं उस कोर्स को देख सकता हूँ आई थिंक नहीं विवेक I think uh, उसको देख नहीं सकते बट अगर सपोज आपने लेक्चर नोट्स वगैरह डाउनलोड अगर किए होंगे तो उनको आप एक्सेस कर सकते हो बट उन कोर्सेज को आप uh, उसके बाद नहीं देख सकते you yeah, i'm glad you're not fed up of my questions but having a perspective helps in understanding i i understand i understand but um, also i will say ki matlab don't <laughs> depend on my perspective a lot kyunki mera perspective maine maine jo padha hai maine jo samjha hai uske basis pe aap khud bhi padho khud bhi uh, samjho like my माई परुड भी वन एस्पेक्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग नॉट यूर अंडरस्टैंडिंगली है वो आप जो पढ़ते हो आप जो समझते हो उसके बेसिस प्लीज जल्दी खत्म करा दो मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ विवेक मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी खत्म करा दू दीज आर सम बल्कि सब्जेक्ट्स बहुत ऑफ दम एक्चुअली क्रिमिनल लॉबी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉबी दोनों बड़े बड़े सब्जेक्ट्स है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं फिनिश कर दूँ आई ट्राई की फेबरी में Uh, मैं मैं खत्म कर दू दोनों को ठीक है सो आई विल ट्राई ठीक है अच्छा नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कंसेंट कंसेंट को लेकर के जनरल एक्सेप्शन सेक्शन एटी सेवन से एटी नाइन और सेक्शन 92 टू जो है ये बात करता है कंसेंट कब सपोज अगर सामने वाले ने कंसेंट दिया है तब अगर कोई एक्ट हो जाता है तो उसके लिए आपको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा

चाहे एक्सप्रेस कंसेंट दिया हो चाहे इम्प्लाइड कंसेंट दिया हो इफ दैट दैट पर्सन इज अबव एटीन इयर्स ऑफ एज और उसने अगर खुद से कंसेंट दिया है टू सफर सम काइंड ऑफ हार्म ठीक है सो so, उस केस में उस केस में अम इन दैट केस इफ दैट पर्सन हैज देमसेल्फ गिवन कंसेंट टू सफर दैट हार्म ठीक है इन दैट केस अगर उनको किसी भी तरह का हार्म हो जाता है ठीक है हो जाता है तो उसके लिए सामने वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्यों क्योंकि उन्होंने खुद से वो कंसेंट दिया था ठीक है जैसे वी नो हम जब भी जैसे राफ्टिंग और ऐसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स वगैरह जब हम करते तो हम करते करते हैं हैं तो बकायदा कंसेंट फॉर्म साइन कि इसमें अगर कुछ भी हो जाता है मेरी डेथ भी हो जाती है अगर तो उसके लिए भी जो भी अथॉरिटीज uh, हैं या जो भी भीवर आई नो जो भी कंपनीज हैं जो कि जो की, जो की uh, करवाती है राफ्टिंग वगैरह सो दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल हम बकायदा कंसेंट साइन करते हैं कि Uh, हम, हम risk, हमें पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं एंड इट ठीक है उसके लिए सामने वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो यहाँ पे बी एटीन प्लस एक्सप्रेस तरीके से कंसेंट साइन कर दिया है अब अगर इस केस में आपको सपोज कोई इंजरी हो भी जाती है तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि आपने कंसेंट किया है बोल दे कि मुझे गोली मार दो देन ये है डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज नहीं करना चाहिए ठीक है जो भी एक्ट है इट शुड नॉट बी इंटेंडेड नॉट नॉट नोन टू टू बी लाइकली कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट हो जाए वो अलग बात है मान के चलो हो गया डेथ और ग्रीवियस हर्ट लेकिन जो एक्ट है वो इंटेंड या नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि इट माइट कॉज ग्रीवियस हर्ट या डेथ उसके अलावा कोई भी और कोई भी और ऑफेंस जिससे किसी भी तरह का हार्म हो सके उसके लिए अगर कोई सामने वाला कंसेंट करता है तो उसको इस, इसका बेनिफिट मिलेगा साक्षी हाँ हॉस्पिटल वाला जो है ये अलग से एक्चुअली अलग से सेक्शन है जिसमें अभी हम आ, उस चीज को अलग से पढ़ेंगे डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल अथॉरिटीज को अगेन कंसेंट के अंदर बेनिफिट है सो so, हाँ. अच्छा इसका एक और एग्जांपल है कि सपोज ए एंड ई अग्री टू फेंस ईच अदर फॉर एंजॉयमेंट

तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते फतेमा वर्सेस एम्पर का केस है जिसमें अक्यूज ने प्रोफेस किया कि वो एक स्नेक चार्मर है ठीक है स्नेक चार्मर इंड्यूस्ड द डिसीज टू बिलीव इन दैट ही पॉवर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी हार्म स्नेक बाइट अच्छा यहाँ पे क्या हुआ कि जो आ, जो अक्यूज है उसने बोला कि मेरे पास इतनी पावर्स है कि ये स्नेक बाइट से आपको जो भी हार्म होगा जो भी हार्म होगा मैं उससे आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ ठीक है तो ये उसने बिलीव कराया अब मतलब सांप ने काट लिया सामने वाले की डेथ हो गई ठीक है अब यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि हम यहाँ पे कंसेंट का डिफेंस नहीं दे सकते वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू कंसेंट का डिफेंस यहाँ पे डिफेंस because, because from, from such, such नहीं दे सकते तो यहाँ पे अक्यूज को लाइबल ठहराया गया था ठीक है इन गेम ऑफ रशल

जो भी एक्ट किया जा रहा है इंटेंशन नहीं है आपकी डेथ कॉज करने का ठीक है लेकिन और जो भी एक्ट यहाँ किया जा रहा है वो पॉसिबली आपके अच्छे के लिए किया जा रहा है ठीक है सो नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाई रीजन ऑफ एनी सपोज आपकी कोई सर्जरी होने जा रही है ठीक है यहाँ पे इंटेंशन नहीं है आपकी डेथ कॉज करने का लेकिन आपको हार्म हो सकता है ठीक है ऑल्सो जो डुअर है सपोज जो डॉक्टर आपकी सर्जरी कर रहा है उसको पता है कि कुछ हार्म पे हो सकता है रिस्क है वो आपके बेनिफिट के लिए किया जा रहा है गुड फेथ में किया जा रहा है ठीक है तो वो सर्जरी जो है वो की जा रही है आपके बेनिफिट के लिए आपके गुड फेथ के लिए और उसके लिए आपने कंसेंट दिया है ठीक है चाहे एक्सप्रेस फॉर्म में या इम्प्लाइड फॉर्म में तो इस केस में अगर किसी को किसी तरह का हार्म हो जाता है या डेथ भी हो जाती है उसके लिए लाइबल नहीं ठहराया जाएगा इट विल नॉट बी एन विलप ऑफ द्लास मुझे बस सेक्शन नाइनटी तक मैं डिस्कस कर देती हूँ ठीक है फिर आई रैप ऑफ क्लास ठीक है ये समझ में आया आपको ऐसे सिचुएशंस पे बट वहां पता है कि हार्म कॉज हो सकता है बट इट इज फॉर दर्स अदर पर्सन बेनिफिट एंड इट इज डन इन गुड फेथ एंड कंसेंट तो इन दिस केस ये जो है इट विल नॉट कम एंड एनी ऑफेंस ठीक है तो यहाँ पे इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा इम्यूनिटी ग्रांट करता है टू पीपल जैसे कि डॉक्टर्स वगैरह हुए फ्रॉम पनिशमेंट्स फॉर एनी एक्ट दैट देव डन इन गुड फेथ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंसेंटिंग पार्टी जहां पे ऑब्वियसली डिड नॉट वॉन्ट टू कॉज किसी का डेथ इंटेंशनली ठीक है अ सर्जन सर्जन ऑपरेटिंग ऑन अ क्रिटिकल पेशेंट विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट इन दिस केस किसी भी तरह का मैलिस नहीं है नेगलिजेंस नहीं है कुछ भी नहीं है फिर भी अगर डेथ हो जाती है तो um, तो सर्जन को हम लायबल नहीं ठहरा सकते उस उस पर्टिकुलर एक्ट uh, के लिए ठीक है अब सेक्शन 89 सेक्शन 89 बोलता है कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन बेसिकली ये बोलता है कि अगर um, सेम सिमिलर है सेक्शन एटी से सिमिलर है बस यहाँ पे जो जिसके ऊपर एक्ट किया जा रहा है वो या तो बारह साल या बारह साल से कम का बच्चा है या फिर दैट पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड उसके बिहाफ पे जो कंसेंट दे रहा है ठीक है उसके बिहाफ पे उसका गार्डियन कंसेंट देगा तो ये कहता है कि नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर ट्वेल्व ऑफ एज या फिर फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन हुइंड उसके लिए अगर उसके गार्डियन ने कंसेंट दे दिया है ठीक है सो so अगेन अगर इस केस में किसी को किसी तरह का हार्म हो जाता है तो भी उसके लिए किसी को लाइबल नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि जो एक्ट है वो गुड फेथ में किया गया है उस, उस उस उसके बेनिफिट के लिए किया गया है और किसी भी तरह का इमोरल या इलीगल एक्ट नहीं है ठीक है सो सिमिलर टू सेक्शन 88, बट जस्ट ये बात करता है कि अगर 12 साल या 12 साल से कम का बच्चा है या फिर आम, आ, या फिर अगर देर इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड तो इन दैट केस उसके बिहाफ पे उसका गार्डियन कंसेंट देगा तो इस सेक्शन से हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि सेक्शन एटी एट के अंदर सेक्शन एटी एट के अंदर जो हमने बात की कि कोई इंसान खुद अपने लिए कंसेंट दे दे सकता अगर कोई इंसान खुद अपने लिए कंसेंट देता है तो भी जो भी डॉक्टर सर्जन है उसको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा तो हम एज क्या मतलब मतलब इंप्लाई अगर हम देखें एटी नाइन हम अगर पढ़े तो एटी नाइन से क्या हम इम्प्लीकेशन ड्रॉ कर सकते हैं कि सेक्शन एटी एट में एज ऑफ कंसेंट क्या होगी कैन यू कैन यू कैन यू मेक एन इंप्लिकेशन इन्फ ड्रॉ कर सकते हो क्या होगी एज अगर 89 बोल रहा है कि 12 साल या 12 साल से कम का बच्चा है या अनसाउंड माइंड का इंसान है तो उसका गार्डियन उसके बिहाफ पे कंसेंट देगा तो खुद इंसान अपने बिहाफ पे किस एज से कंसेंट दे सकता है

89 बोल रहा है कि अगर 12 साल से कम का बच्चा है उसके बिहाफ पे उसका गार्डियन कंसेंट देगा मतलब कि मेडिकल केसेस में अगर हम सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 88 अगर हम देखें तो वी कैन ड्रॉ इन इन्फ्लुएंस कि मेडिकल केसेस में शायद अगर कोई 13 साल का बच्चा है यानी 12 साल से ऊपर का अगर कोई बच्चा है तो वो अपने लिए कंसेंट दे सकता है शायद कांटी मतलब ये समझ में आ रहा है मतलब अगर करने की कोशिश करो, तो 88, बोल नहीं रहा कोई एज ऑफ कंसेंट दे नहीं रहा एटी में क्लियरली लिखा है कि मेजोरिटी होनी चाहिए इंसान की 18 साल से ऊपर का होना चाहिए एटी एट में कहीं एज नहीं लिखी है लेकिन अगर आप दोनों को साथ में पढ़ो और वहां से अगर आप डिराइव करने की कोशिश करो तो यू कैन सी कि शायद सेक्शन एटी एट के अंदर अगर बारह साल से ऊपर का कोई है तो वो अपने बिहाफ पे कंसेंट दे सकता है उसके लिए गार्डियन के कंसेंट की, की जरूरत नहीं है ओनली फॉर इनसे 12 प्लस हाँ, uh, का अगर कोई इंसान है जो अनसाउंड माइंड का है तो फिर अगेन उसके बिहाफ पे उसके गार्डन कंसेंट देंगे

उसके बेनिफिट के लिए ठीक है ये डिफरेंस है सेक्शन 88 में जो भी एक्ट हो हो रहा है, हो रहा है है, उसके बेनिफिट के लिए गुड फेथ में हो रहा है इट इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इट इज नॉट इंटेंडेड टू डू एनीथिंग लेकिन पता है कि देर इज अचुएशन लाइकली जहां पे हार्म कॉज हो सकता है ठीक है लेकिन उसके बावजूद उस, उस, उस इंसान को उसके लिए पनिशमेंट नहीं दी जाएगी consent for what will matter wanted it? it should it should although section 88 89 को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि क्या आ, मतलब सर्दी खांसी के लिए कंसेंट की बात हो रही है या फिर गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए कंसेंट की बात हो रही है तो वो चीज तो यहाँ पे क्लियर है नहीं बट जस्ट अगर हम आ, एक लुक में बस 88 और 89 देखें तो ये समझ में आ रहा है कि 89 के अंदर

जो है इसके अंदर चार चारोवाइज भी है कि अगर ये चार केसेस में आपका आप फॉल कर जाता है तो आप इसका इस पर्टिकुलर सेक्शन का एक्सेप्शन यूज नहीं कर सकते कब इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ डेथली अगर आप इंटेंशनली किसी की डेथ कॉज करना चाह रहे हो अटेम्प्ट कॉज करना चाह रहे हो तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा ठीक है फादर इन गुड फेथ किल्स इज ओन डॉटर

यहां पे जो जो एक्ट है है वो इंटेंशनल और इलीगल है तो यहाँ पे कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी ठीक है सो सेक्शन एटी नाइन के अंदर इम्यूनिटी नहीं मिलेगी दूसरी चीज कंसेंट टू द डूइंग ऑफ एनीथिंग लाइकली टू कॉज डेथ फॉर अ पर्पज अदर देन प्रिवेंशन ऑफ डेथ और हर्ट तो ये भी भी देख रहे हैं हम कि बार बार वी हैव सीन की जो एक्ट हो रहा है वो गुड फेथ में हो रहा हो सामने वाले के के बेनिफिट लिए हो रहा हो ठीक है लेकिन अगर उसके अलावा कोई और पर्पस है जिसकी वजह से अगर आप सामने वाले को किसी भी तरह की डेथ या ग्रीवियस हर्ट या जो भी अगर आप कॉज कर देते हो तो अगेन आपको सेक्शन एटी के अंदर का जो एक्सेप्शन है वो नहीं मिलेगा ठीक है कॉजिंग और अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट एक्सेप्ट

सेक्शन 90 इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये डिफाइन करता है कि कंसेंट होता क्या है ठीक है ये डिफाइन करता है कि कंसेंट होता क्या है दिस इज इम्पोर्टेंट बट इसको मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा डू यू गाइज वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन इट राइट नाउ और डू यू शुड आई रैप अप दिस क्लास एंड मे बी एक्सप्लेन इट इन टूमोरो सेशन बिकॉज दिस थोड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट भी है और इसको समझाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा इफ यू कैन गिव मी लाइक टेन मिनट्स आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू इन टेन मिनट्स और इफ नॉट आई कैन टेक इट अप टू आयुष कह रहे हैं टुमारो अमृता कह रहे टुमारो विवेक कह रहे एक्सप्लेन नाउ श्रुति यस मैम यस मैम वॉच आज या कल एक्सप्लेन नाउ ठीक है आई हैव टू वर्ड्स टू वर्ड्स ईच What about others? What do you guys want me to do? As you wish. चार्ज इज low. Explain. अरे यार बहुत mixed मिक्स वोट चल रहा है थ्री 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 ऑल हो चुका है थ्री ऑल हो चुका है और एक वोट मुझे दे दिया गया है कि मैं जो डिसाइड करूं कॉम्प्लेक्स नहीं है एग्जैक्टली exactly. अच्छा मुझे पांच मिनट दे दो मैं समझाई देती हूँ कॉम्प्लेक्स नहीं है बस समझना जरूरी है तो जस्ट समझो इसको सेक्शन 90 जो है ये डिफाइन करता है कंसेंट को कंसेंट कहता है कि कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट एज इट इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ द कोड इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी और अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोस है कि अगर कंसेंट दिया जा रहा है तो इसको कंसेंट नहीं माना जाएगा अंडर दिस को कंसेंट नहीं माना जाएगा अंडर दिस को और दूसरा पार्ट इसका ये भी बोल रहा है कि जिसको कंसेंट दिया गया है उसको भी पता होना चाहिए कि ये जो कंसेंट सामने वाले ने दिया है वो फियर या मिसकन्सेपन में दिया है ठीक है सो so, दोनों तरफ से होनी होना चाहिए मैं कंसेंट अगर दे रही हूं तो मैं दे रही हूँ फियर ऑफ इंजरी मिसक ऑफ फैक्ट में तो इट विल नॉट बी कंसेंट और जिसको मैं दे रही हूँ उसको भी पता होना चाहिए कि आई एम नॉट गिविंग माई कंसेंट यूजिंग माई फ्री विल

ठीक है अगर कंसेंट फियर या फियर ऑफ इंजरी मिसकनसेप्शन ऑफ फैक्ट में दिया गया है और सामने वाले को भी पता है कि फियर ऑफ इंजरी मिसकनसेप्शन ऑफ फैक्ट में दिया गया है ए बी अगर कोई अनसाउंड माइंड वाला इंसान कंसेंट देता है तो ये कंसेंट नहीं होगा और तीसरा अगर कोई लेस देन 12 साल का बच्चा अगर कंसेंट देता है तो ये कंसेंट नहीं होगा ठीक है सो सिम्प दिस इज दिस इज वॉट सेक्शन नाइनटी सेस ठीक है तो इसका जो पहला पहला जो पार्ट था ये ये थोड़ा सा थोड़ा सा uh, समझने वाली चीज थी ये 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 को नहीं 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 करता, yeh define, yeh define करता है कि क्या consent नहीं होगा। तो तीनों चीजें विवेक इन्फ्लुएंस का मतलब कि if somebody is in a position जहां वो आप सपोज उसके साथ सा, सामने वाले के साथ ऐसा रिलेशनशिप शेयर करते हो कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है आपके डिसीजन में यू you know, नो से आपका कंसेंट ले सकता है जैसे सपोज जैसे सपोज कि फादर सन का रिलेशनशिप है या फिर सपोज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो मे बी फादर जो है वो अपने बच्चे पे अंडी केसेस एम्प्लॉयर जो है वो अंडी इन्फ्लुएंस यूज करके सामने वाले एम्प्लॉय का कंसेंट ले सकता है तो अम, इस तरह से अगर कोई ट्रस्ट या अथॉरिटी इस टाइप का रिलेशनशिप है इन दीज केसेस ठीक है कोवर्जन का मतलब होता है फोर्सफुली ऑल्सो और या फिर पॉसिबली आपको इस थ्रेट के अंदर डाल करके कि, कि अगर आप अपना कंसेंट नहीं देते हो तो आपके अगेंस्ट मतलब आपके साथ कोई एक्ट होगा या फिर आपके आसपास मे बी आपके लव वन के साथ कोई एक्ट होगा तो इस मतलब थ्रेट के अंदर अगर आपसे कंसेंट लिया जाता है कंसेंट फॉर गुड फेथ ऑफ चाइल्ड कैन बी गिवन इफ चाइल्ड अंडरस्टैंड्स व्हाट इज गुड और बैड इवन इफ ही इज 13 यस यस एग्जैक्टली

चलो मैंने बहुत बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का आई जस्ट रैप अपन आगे जो है मैं कल के सेशन में डिस्कस करूंगी सेक्शन नाइनटी वन ऑनवर्ड्स हम कल डिस्कस करेंगे ठीक है सो सो या एंड जस्ट जाते जाते एक छोटो सा अनाउंसमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया है आज शाम में सात बजे देर इज गोइंग टू बी अ सेशन ऑन स्पेशल क्लास इट्स फ्री स्पेशल क्लास ऑन एन अकेडमी आप आर्टिकल नाइनटीन आर्टिकल ट्वेंटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं फीचर्स हैं स्पेशल क्लासेस के इंटरक्टिव होती है क्लासेस पोल बेस्ड लर्निंग हो सकती है रेजा हैंड का फीचर यूज कर सकते हैं प्लस सब्सक्राइबर्स आपको नोटिफाई कर दिया जाता है क्लास लेक्चर नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो कहीं भी कभी भी कहीं से भी आप उसको um, देख सकते हो इन क्लासेस को ठीक है सो इफ यू लाइक दिस सेशन सेशन तो प्लीज जाते-जाते इसको को लाइक कर देना, शेयर फेवरेट एजुकेटर कम्स लाइव ओके चलो ठीक है सो आई विल सी यू गाइस टूमोरो राकेश लेट मी जस्ट आंसर योर क्वेश्चन बिफोर लीविंग वेट

मतलब देर इज दिस यूनिवर्सिटी एन एल यूज में तो एन एल आई यू बैंगलोर है जिसने अभी से मतलब थ्री ओर का लॉ कोर्स शुरू किया है बट उसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं डी यू डी यूनिवर्सि मतलब डेली यूनिवर्सिटी है बी एच यू है अलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि तीन साल का भी कोर्स कराती हैं सो तो जस्ट सी की मतलब आपके लिए बेस्ट uh, पॉसिबल वो क्या है एंड इन सबके ना अब धीरे धीरे करके सबके फॉर्म्स आने लगेंगे 2022 के लिए इन सबके फॉर्म्स आने लगेंगे ठीक है सो so, आपको थोड़ी सी मेहनत अपनी तरफ से करनी पड़ेगी कि यू हैव टू फिगर आउट कि यूल है इनके फॉर्म्स वगैरह कब कब निकल रहे हैं और इनका एग्जैक्ट सिलेबस क्या है सिलेबस जनरली हर uh, 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 जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनमें आपसे इंग्लिश पूछते हैं थोड़ा सा मैथ्स पूछते हैं करंट अफेयर्स लीगल रीजनिंग पूछते हैं करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज पूछते हैं uh, लीगल रीजनिंग पूछते हैं लॉजिकल रीजनिंग पूछते हैं ठीक है सो जनरली इन पांच पार्ट्स में जो पेपर है वो डिवाइडेड होता है और यू कैन यू कैन मतलब यहाँ फिर आप मतलब फिर यू कैन जस्ट टेक अ बुक देर इज अ बुक बाई यूनिवर्सल्स यूनिवर्सल्स की एक बुक आती है जो कि एक ऑल इन ऑल किताब है जहाँ से आप टॉपिक्स uh, भी पढ़ सकते हो जहाँ से आप क्वेश्चंस वगैरह भी देख सकते हो तो uh, वहाँ से आप अपना uh, uh, जो Uh, आप आपकी प्रेपरेशन आप वहाँ से शुरू कर सकते हो बट बिफोर कुछ भी खरीदने वरीदने के पहले अपने पार्ट पे थोड़ा सा एक दो दिन लेकर लेकर के आप रिसर्च कर लो एम uh, एच का आप एग्जाम दे सकते हो डीयू का एग्जाम दे सकते हो पी का एग्जाम दे सकते हो सो जस्ट फिगर आउट और भी अगर कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हो एंड फिगर आउट की उनका सिलेबस क्या होता है पॉसिबल हो तो सैम्पल पेपर्स देख लो पिछले एक दो साल के सो दैट यू गेट एन आइडिया के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एक दो दिन में ये करने के बाद उसके बाद फिर यू कैन पॉसिबली बुक और यू कैन आई डों यूट्यूब पे भी there is, मतलब देर इज अथोरा ऑफ ऑप्शन जहां से आप अपना प्रेपरेशन वगैरह शुरू कर सकते हो ठीक है बी कॉम हो गया है तो आपको तीन साल का ही करना है फिर आपको पांच साल की करने की जरूरत नहीं है ठीक है इंग्लिश पे क्लास आफ्टर प्लीज स्टार्ट आफ्टर वन वीक ठीक है ओके ओके ठीक है ये दिस दिस इज इन इन माय इन माय क्या बोलते प्लान नन ठीक है ये मेरे प्लान में है ऑलरेडी ठीक है सो आई थिंक राकेश आपको इनिशियली

For uh, CLAT, CLAT, or any other law exam purpose. care yeah. all right, guys. So I will take your leave on this note. Possibly I'll see you in the seven PM class. So come and join that class. Take care. Thank you so much, Amartya. Thank you so much, everybody, for joining this session. I wish you have a really good day ahead.